नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में उपविषय वाच्य पर चर्चा करेंगे। बच्चों, वाच्य कक्षा दसवीं का व्याकरण का विषय है। यह परीक्षा में 4 अंक का एक प्रश्न आता है, जिसमें हमें 4 वाच्यों को हल करना होता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। तो वाच्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो हम ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाच्य किसे कहते हैं। बच्चों, वाच्य भाषा का वह रूप है जिससे क्रिया के मूल रूप को चलाने वाले घटक का पता चलता है कि वह क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है या भाव के अनुसार लगी है। यही पता लगाना वाच्य कहलाता है। क्रिया कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक के अनुसार वाक्य में प्रयोग की जाती है। इसी प्रयोग वाच्य में क्रिया के प्रयोग की प्रक्रिया को वाच्य कहा जाता है। बच्चों, इसके कुछ बारे में हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह राम पुस्तक पढ़ता है राम कर्ता, और कर्ता के अनुसार यह पढ़ता उसमें क्रिया लगी है, तो राम कर्ता पुल्लिंग क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक के द्वारा पुस्तक के अनुसार क्रिया लगी है, पुस्तक स्त्रीलिंग, तो जहाँ पर जाति और पढ़ी भी स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक, तीसरा जो वाक्य है, राम से पढ़ा जाता है, यहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया लगी है। अर्थात इन वाक्यों को देखने से पता लगता है कि क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार किसके अनुसार लगी है। बच्चों, वाच्य के भेदों के बारे में बात करें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य, जो कर्ता के अनुसार लगता है, कर्मवाच्य जो कर्म के अनुसार लगता है, और भाववाच्य जिसमें क्रिया भाव के अनुसार लगती है। अर्थात कर्तृवाच्य में कर्म के कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य, ठीक है। जिन वाच्यों में किसकी कर्ता की भी प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य, भाववाच्य जहाँ पर न तो कर्म की प्रधानता होती है न कर्म कर्ता की प्रधानता होती है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का संबंध जो है वो भाव के अनुसार होता है, इनका प्रयोग ज़्यादातर निषेधार्थक वाक्यों में किया जाता है। तो वहाँ पर भाववाच्य क्रिया भाववाच्य होता है, यानी कि जहाँ पर क्रिया भाव के अनुसार लगी हो वहाँ पर भाववाच्य होता है, ठीक है। जैसे उससे गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर गाना एक भावना का पता चलता है। धन्यवाद।